जानवरों को निशाना बनाएंगे कि जानवरों को पता ना चले कि यहाँ पे इंसान है, और उसको मारते थे। देख रहे ना कैसे तीन लोग यहाँ बैठे हुए हैं भाला लेके, और ये सींग लगा के इसलिए रखा है क्योंकि ये जो भी एनिमल्स हैं उनको शक ना हो कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं। उनकी क्या कर लेते थे, हंटिंग कर लेते थे, ये उनके हंटिंग करने का तरीका था। अच्छा एक चीज़ और पढ़े होंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, तो ये देखिए पहले इंसान जो है ना बंदर हुआ करते, फिर धीरे धीरे इन्होंने जो सामने वाले हाथ हुआ करते थे इसका इस्तेमाल करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, तो ये थोड़े से ऐसे पहले झुका हुआ करते थे, धीरे धीरे ऐसे स्टैंड करने लगे, फिर ये और इसका इस्तेमाल कम किया और सीधे होने लगे, और सीधे होने लगे, और सीधे होने लगे, और एकदम हाथ से सीधे होके चलना स्टार्ट कर। जैसे बंदर को देखेंगे ना तो बंदर क्या करते हैं, उनके दोनों पीछे के पैर और दोनों आगे के हाथ का इस्तेमाल चलने के लिए ही या फिर कूदने के लिए करते हैं, वैसे ही इंसान भी थे। लेकिन जैसे जैसे हम जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना कम कर देंगे, ठीक है, तो कम कर देंगे तो फ्री होने लगेंगे, तो फ्री होने लगेंगे तो ये ऐसा नहीं हुआ एक दिन में हो गया, इसमें भी लाखों साल लग गए ऐसा करने के लिए। ऊपर ये पिक्चर जो दिया गया है, जैसे कि जब इंसान इस टाइप में होता था जैसे झुक करके चलता था, यानी कि खोपड़ी यानी स्कल जो ऐसे दिखती थी, उसके बाद में ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर ये स्ट्रक्चर जो ऐसे चेंज होता गया, और आज का जो इंसान है ऐसे सीधे होके चलने लगा, इनके दोनों हाथ फ्री हो गए। अब हाथों का इस्तेमाल हम चलने के लिए नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए करते हैं। ये देखिए ये क्या करते हैं उस टाइम के, क्या हैं वही हंटर्स एंड गैदरर्स है, जो क्या कर रहे हैं देख रहे हैं ना, हंटिंग करने जा रहे हैं, ये हथियार ले लेकर के ग्रुप्स में निकल रहे हैं जानवरों को मारने के लिए, खाने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये पिक्चर से किसकी, गैदरर्स की। अब ये जो गैदरर्स देख रहे हैं ना ये एक लेडी है, अब लेडी में देखिए इन्होंने देखिए देख रहे ना कैसे रहने के लिए घर बनाया है, ये ऐसे टेंट बना लेते थे लकड़ी का ही, और स्टैंड के अंदर नीचे चले गए, और ये जितने भी प्लांट्स के वो लीव्स हैं उनको कलेक्ट करते थे, देखिए ये अपना खाना पका रहे हैं, तो ये बाद में थोड़ा सा डेवलप हुआ। तो ये कौन थे, ऐसे लोग थे गैदरर्स, कि ये डिपेंडेंट थे टोटली जंगल के ऊपर में, वहीं से जो भी इनको मिलना है, फ्रूट्स मिल गए, प्लांट के लीव्स मिल गए, से गाजर मूली जो ज़मीन के अंदर हो गया, रूट्स फूड बोलते हैं उनको निकाल करके कंज्यूम करते थे। अच्छा अब ये हिस्ट्री पढ़ने के लिए ना आपको जियोग्राफी का बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री का जानकारी होना, हिस्ट्री पढ़ने के लिए ज्योग्राफी का जानना बहुत जरूरी है। अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नर्मदा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये देखिए अपनी इंडिया है, ये अपनी हो गई इंडिया, तो ये इंडिया में सबसे पहले ये इंडिया का मिडिल पोर्शन है, तो यहाँ मिडिल पोर्शन देखिए एक रिवर फ्लो कर रही है नर्मदा रिवर, ये देखिए ये ब्लू कलर वाले जितने लाइन देख रहे हैं सब रिवर्स हैं, तो इस नर्मदा रिवर के किनारे में, अब नर्मदा रिवर है और नर्मदा रिवर के जस्ट नॉर्थ साइड में एक माउंटेन है जिसको बोलते हैं विंध्या रेंज या विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, विंध्या पर्वत भी बोल सकते हैं। तो नर्मदा रिवर के यानी इंडिया के एकदम सेंटर में, एकदम बीचों बीच में, जो इंडिया को 2% में डिवाइड कर रहा है, अब ये जो रिवर के आसपास में इसके बैंक्स में ये हंटर्स एंड गैदरर्स रहा करते थे, और ये जो विंध्याचल पर्वत है यहाँ के पत्थर का इस्तेमाल करके वेपन्स बनाते थे। तो ये हो गया कि दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को कि सतपुड़ा जो रेंज है, सतपुड़ा भी एक पहाड़ी है, ठीक है, और विंध्याचल भी एक पहाड़ी है, नर्मदा यहाँ से रिवर फ्लो करती है, ये इंडिया का वेस्ट साइड है, ये इंडिया का वेस्ट साइड है, तो वेस्ट साइड में भी दो पहाड़ियाँ हैं, इनका नाम याद रखेंगे अभी चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा, एक है सुलेमान हिल्स, ये देखिए पाकिस्तान है ग्रीन कलर का, और ये है अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक हिल्स है जिसका नाम है सुलेमान हिल्स, और दूसरा हिल है जिसको बोलते हैं किरथार हिल्स, सुलेमान हिल्स एंड किरथार हिल्स, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों मिलेंगे आपको कहाँ पे, इंडिया के वेस्ट वाले बॉर्डर पे, और यहाँ से देखिए एक रिवर फ्लो करती है जिसको बोलते हैं इंडस रिवर, आर मीन्स रिवर होता है, इस इंडस रिवर के 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड इंडस, ये पांच जो रिवर हैं इनके ट्रिब्यूटरी है, तो यहाँ पे भी इंसान रहते थे। ये दो ऐसे हिल्स हैं जहाँ पे सबसे पहले ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था इस वाले पोर्शन में, और उगाया क्या था सबसे पहले, उन्होंने उगाया था व्हीट एंड बार्ली। एक और हिल्स के बारे में देख लीजिए, अब ये इधर आप आ गए ना, अब आ जाइए ईस्टर्न साइड में, जब ईस्टर्न साइड में आएंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे हमारा एक स्टेट है आसाम के जस्ट साउथ में जिसको बोलते हैं मेघालय, मेघालय में क्या है वहाँ पे एक हिल्स है, इस हिल्स को बोलते हैं गारो हिल्स। अब हिल्स की इसको क्यों बढ़ना है,
यहाँ पे भी जो हंटर्स एंड गैदरर्स आए, तो इस वाले इलाके में सबसे पहले उन्होंने प्लांटेशन की थी राइस की, चावल उगाया था सबसे पहले, गेहूं उगाया इस साइड में सबसे पहले, उसके बाद अब इस वाले इलाके में रहते थे इंसान और यहाँ पे रहते थे, तो यहाँ से ऐसे से फैलने लगे, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग इधर चले गए। तो यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले गेहूं उगाया और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया, राइस उगाया। तो गारो हिल्स कहाँ मिलेगा आपको, मेघालय में। देखिए कौन सी रिवर के पास में, ये देखिए रिवर आ रही है ब्रह्मपुत्रा, क्यों यहाँ पे रोल रखते होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ हिल्स है तो रहने के लिए इनको एक तरीके से घर मिल गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर है तो वहाँ पानी मिल गई, और जहाँ रिवर फ्लो करती है उसके आसपास में घने जंगल होते हैं, ये भी एक रीजन था। इस वाले सेंटर में आएंगे, देखिए दो रिवर आपको मिल जाएंगी, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इसको बोलते हैं गंगा रिवर, ये ऐसे आके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। दूसरी रिवर यमुना रिवर, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो आगे चल के गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये मैप आप अपने दिमाग में रखेंगे। और क्या जानना था हमें, हाँ ये हमने बता दिया हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में। हम क्या बात कर रहे थे कि जो जो भी पीपल्स थे हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो कहाँ रहते थे, बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर फॉर द 7,000 ईयर्स, और ये गैदरिंग किसकी करते थे, गैदरिंग करते थे फूड की एंड हंटिंग करते थे एनिमल्स की, इसलिए इनको क्या बोलते थे हम लोग, हंटर्स एंड गैदरर्स। दूसरा पॉइंट ये कि सुलेमान इन द किरथालिस, नॉर्थ वेस्ट में हमने दिखाया पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ पे क्या हुआ था, सबसे पहले इन हंटर्स एंड गैदरर्स ने फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ली, कितने साल पहले, आज से 8,000 साल पहले, यानी अगर आपसे कहा जाए कि आज से 10,000 साल पहले क्या इंसान खेती करते थे, तो जवाब होगा नहीं। आज जो हम वीट एंड बार्ली उगा रहे हैं, वीट एंड बार्ली, बार्ली मीन्स जौ होता है, तो वीट एंड बार्ली आज जो उगा रहे हैं, आज इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, आज से 8,000 ईयर्स एगो पहले हुई थी, और भी कौन से इलाके में हुई थी, सुलेमान एंड किरथार हिल्स में। और इसी टाइम पीरियड में लोगों ने क्या किया था, एनिमल्स की रियरिंग, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, सीप को, गोट को एंड कैटल्स, और लोग कहाँ रहना स्टार्ट कर दिए, पहले विलेज में रहना स्टार्ट कर दिए। पहले हमने देखा हंटर्स एंड गैदरर्स केव्स के किनारे में रहते थे, केव्स में देन फॉरेस्ट के बीच में, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनको थोड़ी सी बुद्धि आने लगी, इंटेलिजेंस आते गया, तो उन्होंने अपने रहने का जो तरीका है तौर तरीका धीरे धीरे चेंज करने लगे, तो पहले जंगलों में रहते थे, अब कहाँ रहने लगे, गाँव में रहने लगे, ठीक है। वैसे ही गारो हिल्स में जाएंगे, गारो हिल्स कहाँ है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में, अभी हमने दिखाया विंध्याचल रेंज है इंडिया के सेंट्रल पोर्शन में, ये भी वो इलाके थे जहाँ पे ट्राइबल्स कम्युनिटी रहती थी, और ये क्या करने लगी, एग्रीकल्चर करने लगी, और वो विंध्याचल ये कैसा रेंज है जहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया था, राइस की प्लांटेशन की थी। अगेन एक और रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे भी 4,700 ईयर्स अगो पहले सबसे पहले सिटीज बनी थी, जैसे आज पढ़ते हैं ना गोरखपुर दिल्ली बहुत बड़े बड़े शहर हैं, तो सबसे पहला शहर कहाँ बना, तो उससे रिवर्स के, ये जो इंडस और रिवर हमने बताया है, इससे रिवर्स के किनारे में बनी सबसे अर्लीस्ट सिटी जो है फ्लरिश हुई थी। उसके बाद इंसान यहाँ से चलना स्टार्ट करके गंगा एंड ट्रिब्यूटरी सोन की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे सिटीज बनना स्टार्ट हो गई 2,500 साल पहले, जो सिटी यहाँ पे डेवलप्ड हुई। उसके बाद में आएंगे तो आपको साउथ में गंगा मेघना रूलर्स पावरफुल बिकेम एंड लार्ज किंग, अब यहाँ के जो रूलर्स आए और डेवलपमेंट होता गया, और यहाँ के जो रूलर्स आए उन्होंने केवल रूलिंग नहीं किया, एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है खड़ा कर लिया था, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर लिसनिंग।